क्यों रे ललिता, इस रॉड को देखा? सॉलिड रॉड है। इस रॉड का एक फ्लैशबैक है। कौन सा? कौन सा? मेरे पिताजी के दादा ने मेरे दादा को इस रॉड को सम्मान के रूप में देकर कहा कि इस रॉड को जो लड़की मोड़ पाएगी उसी लड़की को पसंद करके यानी मुझे उससे शादी करने को कहा। चलो ये रॉड मोड़ के दिखाओ। अरे बाप रे, तुम्हारा नाम क्या है बेबी? मालिक, मालिक, मालिक फूल। क्या है? कितनी मुश्किल से मुझे इसके साथ मस्ती उड़ाने का मौका मिला और तू बीच में आ गया। बात क्या है, इसके लिए वही फूल लाया है क्या? नहीं मालिक, नाग वाला फूल। ये क्या कह रहा है, कहाँ से तोड़ के लाया? नहीं मालिक, ये वो चोर छोड़ के गया है, आपके बेडरूम में था। अरे तूने तो मुझे फाड़ के रख दिया रे। मेरे कदम कदम पर वो मुझे इस फूल से फाड़ रहा है। मालिक आप तो यहाँ के बहुत सारे मंत्रियों को जानते हैं ना, किसी एक मंत्री को फोन करके इस चोर के बारे में बता दीजिए ना। बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, दो मिनट लगेंगे। मंत्री मंगल सिंह शहर में ही है ना? हाँ है। कमीना, उस मंत्री को पहले राजनीति की ABCD भी नहीं आती थी, मैंने उसे सिखाया। उस मंत्री को इस फूल के बारे में बताऊंगा तो चुटकी में काम हो जाएगा। तो शुभ काम में देर क्यों, फोन कीजिए ना। आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। उल्लू के पट्टे, मंगलवार के दिन मैं किसी मंत्री से बात नहीं करता, पता है ना? हाँ हाँ मैं समझ गया, आप क्यों नहीं फोन करना चाहते हैं। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा रे, अपनी जबान को लगाम दे। ठीक है मालिक, लेकिन ये जो फूल है इसे कहाँ लगाएंगे? लगाएंगे, अभी तक 6 बार ये फूल वो छोड़ के गया है। अच्छा इस फूल को अब मैं कहाँ लगाऊं? बंगले में तो कोई जगह नहीं रही। आप है ना, लगा लीजिए। क्या कहा? क्या मैं इतना गिर चुका हूँ? बताऊंगा इस फूल को कब कहाँ कैसे लगाना है, जरूर बताऊंगा। ओए बता, सच बता। इंस्पेक्टर सच उगलवाओ। ओके सर। बहुत जिद्दी है, इतनी मार खाने पर भी सच नहीं बोल रहा है, लेकिन हम सच उगलवा के रहेंगे। आने दो। यस सर। हमारे विद्यार्थी हैं जिसने चोरी की, उस चोर को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑफिसर की पोस्टिंग हुई है। मैं उस ऑफिसर से आपका परिचय करवाता हूँ। आई एम इंद्राणी। वेल ग्लैड टू मीट यू। आईजी साहब ने कहा था कि किसी स्पेशल ऑफिसर को भेजेंगे और मैंने सोचा था कि वो बहुत पावरफुल होगा, लेकिन आई नेवर एक्सपेक्टेड ए लेडी। उस चोर को पकड़ने के लिए हमने कितने हाथ पैर मारे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाय द वे, अगर वो चोर कोई ऊंची दीवार फांदेगा तो क्या तुम फांद पाओगी? अगर वो चोर चलती ट्रेन से कूदेगा तो क्या तुम कूद पाओगी? नेवर। आफ्टर ऑल तुम एक औरत जो हो, जब हम मर्द लोग उस चोर को पकड़ नहीं पाए तो तुम कैसे पकड़ पाओगी? अपने अपने रिवॉल्वर नीचे डाल दो, तुम भी। गुड, अब मेरे लिए यहां से जाने के लिए एक कार का इंतजाम करो। बोलो मिस्टर शेखर, इंतजाम करो। ओके सर। इससे ज्यादा स्पीड से मैं और कुछ नहीं कर पाई सर, बिकॉज़ आई एम अ लेडी। जब तबीयत ठीक नहीं तो काम पर क्यों आए? घर जाओ, मजदूरी घर भिजवा दूंगा, दवाई खरीद लेना। जी बाबूजी। हेलो, तुम कब आई? ओ यही कुछ 22 साल पहले। 22 साल पहले? खैर कोई बात नहीं, पहले 5 साल को हुई होगी, फिर 10 साल की, अब 22 साल की। इतने सालों में कुल मिलाकर तुमने क्या पाया? मैंने तुम्हारा दिल पाया, सही कहा ना? अच्छा तुम यहाँ कैसे? जहाँ पसीना बहता है वहाँ सुरेंद्र होता है, जहाँ ताकत होती है वहाँ सुरेंद्र होता है। मैं यहाँ पर काम करता हूँ। अरे मुझे भी यही नौकरी मिली है। जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? बताऊँ कैसे जानता हूँ? नहीं कोई जरूरत नहीं। अच्छा ये क्या मजदूर उस हुंडी में पैसे डाल के जा रहे हैं? ये गरीब लोगों के लिए है, उनके लिए जो अस्पताल बन रहा है उसके लिए। गरीब लोग पैसे की किल्लत में अपना इलाज नहीं करा पाते और मर जाते हैं। भविष्य में कोई भी गरीब बिना दवाई के ना मरे, इसलिए ये अस्पताल बना रहे हैं। यहाँ काम करने वाले मजदूर भी अपनी कमाई का एक हिस्सा देते हैं, क्योंकि
भविष्य में यही जो पैसा है उनके प्राण बचाएगा, ऐसा उन्हें विश्वास है। ये क्या सारे रुपए डाल दिए? मैं भी तो यहाँ एक मजदूर की तरह ही हूँ। इस काम में जो भी मुझसे बन पाएगा मैं भी मदद करना चाहूंगी। कोई बड़ी नौकरी करने की मुझे चाहत नहीं, मैं गरीब मजदूरों के किसी काम आ जाऊं, बस इसीलिए पैसे डाले। Really, you're great. किसी के बस खूबसूरती और अच्छा दिल भी है ये पहली बार देख रहा हूँ। थैंक्स। औरतें हमेशा ये साड़ी पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी, ये जेवर पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी, बस इसी में रहती हैं। मगर जिसका मन चंगा सब कुछ चंगा। अगर आपका मन चंगा है तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आपके साथ जो भी शादी करेगा वो मरते दम तक आपका दीवाना बनकर रहेगा। ए, अंधी है क्या जो पुलिस की गाड़ी से टक्कर मार दी? दरअसल गुड मॉर्निंग मैडम। इंस्पेक्टर, गाड़ी का नंबर लिखकर केस बना दो। कांस्टेबल, ऐसी बात नहीं है मैडम। शट अप, कार को थाने ले चलो। ओके मैडम। तुम मेरे साथ चलो। दरअसल हुआ कि इधर आ। क्यूरी, वो एक्सीडेंट कैसे हो गया? सामने से कौन आ रहा है तुझे इसका भी एहसास नहीं? या किसी से लव का चक्कर तो नहीं? बाप रे, मूड में आ गई। यूनिफॉर्म में तो चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, ऐसा क्यों है कि खाकी वर्दी में आप शेरनी और बिना उसके बिल्ली? नहीं, बिल्कुल मेरी दीदी। अच्छा, यहाँ कब और क्यों आए, वो भी पुलिस की वर्दी में आने का कारण? मेरी छोटी बहन की हिफाजत के लिए मेरी शहर में बदली कर दी गई है। क्यों, मुझे कोई उठा ले जाएगा इस बात का डर है? किसी में इतनी हिम्मत नहीं। क्यों दीदी, किसी स्पेशल ड्यूटी पर आई हो? हाँ, मेरी खूबसूरत बहन के लिए एक लड़का देखकर उसके हाथों मंगलसूत्र पहनाने के लिए ड्यूटी पर भेजा है। नहीं दीदी, मुझे एडजस्ट करने वाला लड़का आसानी से नहीं मिलेगा। क्यों ना एक काम करो, मैं भी तुम्हारी तरह बिना शादी के। सुनो रेखा, बड़े जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए, जो बोलते हैं वो करना चाहिए। चलो खाना खा लेते हैं। माई, अभी खाना तैयार नहीं हुआ है, बाद में आना। इधर उधर क्या दिख रहा है, तुझसे कहा है? फट गया रे, हे भगवान, मैं इस दीवार से सर फोड़कर मर जाऊंगा। नहीं, इस दीवार को तोड़कर आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। माई, मैं और कोई नहीं, उस विधाता का छोटा भाई हूँ, यानी वो मेरे बड़े भैया हैं। आई सी, तो फिर भीख मांगने वालों की तरह चिल्ला क्यों रहे थे? मैं चिल्ला नहीं रहा था, जब गाय का दूध दूहते हैं तब बछड़ा माँ कहकर चिल्लाता, वैसे मैं भी आपको माँ कहकर बुला रहा था। कुछ जोर से ही चिल्लाया था वो, बस ऐसे ही। यानी मेरी आदत है। इट्स ऑल राइट, यहाँ किस लिए आए हो वो बताओ। आप कितनी बड़ी पुलिस ऑफिसर हैं, हमारे काम के लिए, यानी हमारे घर में जो चोरी हुई उस चोर को पकड़ने के लिए, यानी उस नाग पुष्प वाले चोर को पी पी करके बिन बजाकर बाहर निकालकर बिल में हाथ डाल के उस चोर को हमारे हवाले करके ऑफिसर साहिबा से कहने के लिए बड़े भैया ने कहा है? नहीं कहा तो फर्र से फाड़ के रख दूंगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अफ्रीका से मेरे बड़े भैया ने मुझे फोन में कहा है। जल्दी लाओ।
आपके लिए एप्पल लेकर आया हूँ, कश्मीरी एप्पल। इन्हें खाकर अपनी तंदुरुस्ती बरकरार रखना। इतना ही नहीं, आपके लिए गोल गोल अनार भी लाया हूँ। इसकी कीमत क्या पता है? इसे खाने से आपकी उम्र 16 साल की हो जाएगी। और साथ में है पाइनएप्पल्स। इसमें एक खासियत है, ये आपकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। और इन सबके साथ में बैंगलोर के केले। इन केलों को खाने से आपके शरीर में एकदम से बिजली दौड़ने लगेगी। सुन, पहले तो ये एप्पल खाकर शराफत से बात करना सीख ले, नहीं तो मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। ये जितने भी फल है पहले तू ही खा ले और अपनी जबान पर लगाम डाले, नहीं तो तू खड़ा नहीं रह पाएगा। वो अनानास खाकर तू खुद अपना थोबड़ा सवार ले, नहीं तो याद रख भरे बाजार में तेरा जुलूस निकाल दूंगी। निकल यहाँ से। अब अगर तू यहाँ एक मिनट भी खड़ा रहा तो हथकड़ियाँ पहना दूंगी। गेट आउट। मैं तो सच में फट गया रे। हेलो। हाय दीदी, ये जो सुरेंद्र है बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सुरेंद्र, ये मेरी दीदी है, ये एक पुलिस ऑफिसर है। एक चोर को पकड़ने के लिए स्पेशल ड्यूटी पर आज ही जॉइन किया है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। किसी चोर को देखने जैसे क्यों देख रही हो? देखने दो, ये तो पुलिस वालों की आदत होती है ना। दीदी, ये एक अंतर्यामी है, क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, एकदम सही बताते हैं। अच्छा। मुझे नौकरी मिल जाएगी कहा था और मिल गई। जी हाँ, जब मैं इतना सा था मैंने कहा लव कुछ 100 दिन चलेगी, तो वो फिल्म 100 दिन चली। जब मैं इतना बड़ा हुआ प्रेम तपस्या 100 दिन चलेगी, मैंने कहा और वो चली। और अब इतने बड़े हो गए, आज रात मेरी दीदी ने उस चोर को पकड़ने का जाल बिछाया है। चोर उसमें फंसेगा कि नहीं बताओ? भूल से भी दीदी ने जो जुराब पहनी है उसका कलर मत बताना, नहीं तो तुम्हें उठाकर जेल में बंद कर देंगी। हाँ तो बताओ, चोर फंसेगा कि नहीं, अपने ज्ञान से कुछ जान पाए? हाँ जान गए। चोर इनटू पुलिस इज इक्वल टू चोरों का उस्ताद, पुलिस इनटू पुलिस इज इक्वल टू महाचोर। चोर में से अगर पुलिस निकाल दे तो चोर कोई फायदा नहीं होगा, इम्पॉसिबल। चाहे कितने बड़े बड़े पुलिस वाले आ जाएं या बड़ी बटालियन लेकर आ जाएं, उस चोर को पकड़ना नामुमकिन है। वो मेरे शहर में आने से पहले की बात होगी। मैंने आज तक जिस केस को भी अपने हाथ में लिया है उसमें कभी हारी नहीं हूँ। वो चाहे कितना बड़ा चोर क्यों ना हो, उसके हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे घसीटते हुए थाने ले जाऊंगी। अच्छी बात है, कोशिश कीजिए। आपका आत्मविश्वास कोई मामूली थोड़ी है, लेकिन एक बात मैं साफ कह देता हूँ, आज रात एक बहुत बड़ी चोरी होने वाली है। तब तो वो चोर आज की रात मुझसे नहीं बच पाएगा। लेकिन मेरा ज्ञान मुझे ऐसा नहीं कह रहा है। सॉरी, मुझे तुम्हारे इस ज्ञानवान पर कोई विश्वास नहीं। चलती हूँ। विश यू ऑल द। ये क्या भेष बना रखा है भैया? जैसे भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, वैसे ये खास काम के लिए मैंने अवतार लिया है। ये सब जनता की भलाई के लिए है। इतना टाइम हो गया है, अभी तक बड़े ऑफिसर आए क्यों नहीं? यही तो समझ में नहीं आ रहा है, जबकि सुना है वो टाइम के बहुत पाबंद है। माय डियर ऑफिसर्स, मेरे को टाइम नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ हाँ, मैं पंक्चुअलिटी का बहुत पाबंद हूँ। लुक एट योर वॉचेस, एग्जैक्टली 17 घंटे 17 मिनट 17 सेकंड्स होंगे। ओके? यस सर। सो पहले मैं खुद का परिचय देता हूँ। मेरा नाम है गुरुबचन सिंह। मेरे नाम से आतंकवादी भी घबराते हैं, खतरनाक हूँ मैं। चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, ऐसे ऐसे चुटकियों मुंह से पकड़ लेता हूँ। जब मैं छोटा सा था तो मुझे डब्बे वाला दूध पिलाया गया, इसलिए थियोरी पर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, प्रैक्टिकली काम करता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी चलिए।